इसको क्यों रखा आपने जहर को? मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ। दिक्कत क्या है? वो दिक्कत बताइए ना, हम साथ देंगे आपका। दिक्कत ये हुए जब बताइए, लोग हीटर देख रहे हैं। कौन लोग वीडियो देख रहे हैं? चार लोग वीडियो देख रहे हैं उसको। आज मैंने, कल परसों मेरे देवर के फोन पे देखा, वो आबिदा ने हीडो व्हाट्सएप पे डाल रखी है। चलो आज मेरे देवर ने देखा, उनने चलो किसी को नहीं बताया, उनने खुद ने देखा। उनके उनके इसमें मेरी इज्जत क्या रह गई है? कुछ भी नहीं रही है। मैं उनके आगे ना शर्मिंदा हूँ, बहुत गलत महसूस कर रही हूँ खुद को। जो आपने जहर ला के रखा उसको दिखाना मुझे, ला के एक बार दिखा दीजिए प्लीज जी। मैं आपकी भलाई में आया हूँ, यहाँ पे रखा है, निकाल लो जी। निकाल दो, आप तो इतनी अच्छी हैं। नहीं ये नहीं कर सकते। नहीं मैं उसको फेंकना चाहता हूँ अपने हाथ से। नहीं मैं खूब थी। आप खाली में पढ़ी लिखी है, समाज आपकी तारीफ ही करेगा, बुराई तो करेगा नहीं। नहीं मैंने तो एक थाम लिया है। आपको नहीं पता, अगर आप जहर खा के मर गई ना तो कयामत तक आप जहर खा के वहाँ पे ये सजा मिलती रही। देखो सोचा कि नहीं सोचा? वो तो मैं जानती हूँ। लड़ना है जिंदगी से आपको। मैं बहुत लड़ ली। अभी और लड़ना है? नहीं मैंने बहुत लड़ ली, मैंने बहुत ताकत लगा ली, जियो जान से लगा ली। अभी आप वैसे लोगों से टकराई है ना, अभी हम लोग आपकी सपोर्ट में आए हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। वो जहर दे दो मुझे, लाओ लाओ। ऑन स्क्रीन पे लोग देख रहे हैं, आप अच्छी रहेंगे। दे दो कैमरा भाई साइड कर, थोड़ा दिखाओ मत इसको। लाओ एक बार, लड़की बहुत अच्छी है। मैं आज आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते इस लड़की को बदनाम ना किया जाए। ये तो आलिमा है यार, ये तो बहन है आप सबकी यार, ये तो एक भटकी हुई बेटी है। और इस्लाम धर्म में, शरीयत में यूं फरमाया है, हमारे नबी का ये फरमान है, अगर किसी मोमिन का, किसी मुस्लिम का, किसी इंसान का अगर दिल तोड़ दे तो समझ लीजिए इतना बड़ा गुना जैसे काबा शरीफ की दीवार तोड़ दी हो। और आप एक नादान सी भटकी हुई लड़की को परेशान कर रहे हो। जहर इनके हाथ में बताइए, आज हमने जाके इनके हाथ से जहर भी लिया है। लाओ मुझे, मैं इसको फेंक दूं? कोई तकलीफ तो नहीं आपको? आप इतनी नर्वस क्यों हैं? क्या इससे थोड़ी कुछ होगा आपका? आपको तो लड़ना है अभी। अच्छा दिक्कत क्या है, सच बताइए, इसको क्यों रखा आपने जहर को? मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ। दिक्कत क्या है? वो दिक्कत बताइए ना, हम साथ देंगे आपका। दिक्कत ये हुए जब बताइए, लोग हीटर देख रहे हैं। कौन लोग वीडियो देख रहे हैं? चार लोग वीडियो देख रहे हैं उसको। आज मैंने, कल परसों मेरे देवर के फोन पे देखा, वो आबिदा ने हीडो व्हाट्सएप पे डाल रखी है। चलो आज मेरे देवर ने देखा, उनने चलो किसी को नहीं बताया, उनने खुद ने देखा। उनके उनके इसमें मेरी इज्जत क्या रह गई है? कुछ भी नहीं रही है। मैं उनके आगे ना शर्मिंदा हूँ, बहुत गलत महसूस कर रही हूँ खुद को। जीना नहीं चाहती हूँ। नहीं, सुनो सुनो मेरी बात, आपको जीना है। मैं आपको इस बात की बात के लिए बोल रहा हूँ कि ये पूरा समाज आपका साथ देगा। और आप अच्छी लड़की हैं, आपने चाहे कोई भी कैसी वीडियो बना ली हो वो गलती से बनी होगी, आप शिकार हैं। मैं इस लड़की के साथ मेवातियों ने बुरा किया। मेवातियों वो लोग गद्दार हैं जिन लोगों ने इस लड़की को आत्महत्या करने पर मजबूर किया है। और मेवात आज तक की टीम ने इनके ससुराल पहुंचकर इनकी जेब से, इनके सीने से जहर की ये डिब्बी निकाली है। इसकी जान बचाई हमने जाके आज अल्लाह की कृपा से। तो मैंने, आप चुप रहो, चुप रहो, थोड़ा जूम कर, आप बहुत ऊपर जाइए। मैंने आज वीडियो भी बनाई तो मेरा सिर का पल्ला भी नहीं गिरन दिया मैंने, क्योंकि मैं आज इज्जत से जीना चाहती हूँ, रुतबे से जीना चाहती हूँ। अब आप चुप हो जाओ। अरे चुप तो रहो, अब आप कैसे जीना चाहती है खुल के बताइए। मैं जीना, आपका परिवार ही आपसे पूछ रहा है। जीना मैं ऐसे चाहती हूँ कि देखो मेरे को कोई नहीं चाहिए, ना मोबाइल चाहिए ना कुछ चाहिए। मोबाइल चाहिए आपको? नहीं चाहिए, मोबाइल भी नहीं चाहिए, ना कुछ चाहिए, ना मेरे को हीडो बनाना है, ना कुछ बनाना है। अच्छा। बस मेरे को मेरा संसार करना है और आगे लोगों को बताना है, जो मेरे को गलत ठहरा रहे हैं उनको ये बताना है कि मैं गलत लड़की हूँ ना, तो मैं आज संसार क्यों कर रही हूँ? आज मेरे परिवार वालों से पूछो, मैं आज गलत रहती तो मेरा संसार करना चाहती हूँ।
संसार समझा नहीं, घर बसाना चाहती हो जी जी, वेरी गुड वेरी गुड, मुबारक हो। देखिए आपको मोबाइल भी मिल जाएगा, ठीक है, मैं बोल कर जाऊंगा इस परिवार से, लेकिन आपका घर भी बसेगा। मगर जिस तरीके से तेरे माँ बाप, तेरा परिवार जो कहे ना, आप वो करो, क्योंकि आप तो आलिमा है जी, मैं उनकी हर बात मानती हूँ। मेरी बात सुनिए, मौत का कुछ नहीं पता, मौत बरहक है, हर इंसान को आनी है। मौत वो तो देखो, मौत को भी मौत, मैं आज तुमसे बात कर रही हूँ, कल अल्लाह ने मेरे को मौत दे दिया। मौत ही है ये, मौत हमने सिर्फ, आपने कुछ अच्छा काम किया होगा इसलिए ये मौत आपकी टली है। आप तो खुदकुशी करना चाहती थी, ठीक है, अगर हम नहीं आते तो आप तो पता नहीं जहर खा लेती तो मर जाती। मैंने पुलिस थाने में से जो बाथरूम में फिनाइल पड़ा था ना वो ले आई थी। देखिए दोस्तों, पुलिस स्टेशन से ही जहर लेके आ गई लड़की डिब्बी में। अभी एक लड़की ने जहर खाया था, किसका खाया था, जिसे नाज में डालते हैं, वो उसी से मर गई थी। उसने सोचा होगा कि नाज की गोली से मरूंगी थोड़ी, नहीं, जहर जहर होता है जी। मैं एक बात कहूँ, मैं मरना आज भी पसंद, अल्लाह मेरे को मौत आज भी दे देगा ना, हाँ। तो मैं खुशी खुशी ले लूंगी, मेरे को गम नहीं है मौत से, तो मौत से गम नहीं है। क्यों थोड़ी मौत चाहिए ना, ये हराम की थोड़ी, हराम की क्यों, मैं मरना क्यों चाहती हूँ कि देखो आज ये लोग है जी। जो मैं ऐसी लड़की थी जो मेरे को पढ़ने सिवा दुनिया में कुछ ही मालूम नहीं था, बस YouTube चैनल चलाती थी, मेरे घर में चलिए बस सहेली वगैरह उनसे मिल जुल। YouTube चैनल भी चलाइएगा जी जी, मोबाइल भी रखिएगा। YouTube चैनल चलाने का हम आपको तरीका बता कर जाएंगे जी जी, आप बुराई से भी बचेंगी, गंदे कामों से बच जाएंगी जी जी। चैनल भी चला लेंगी, मरने से भी आप बच जाएंगी हराम मौत से, और कोई खास बदनामी नहीं है आपकी। ये 2-4-5 लोगों ने आपकी वीडियो देखी है, ये बहुत बड़ा चैनल है, इस पर आज पूरा का पूरा इंटरव्यू आपका जा रहा है। मेरे पापा से एक बात कहना चाह रही हूँ, मेरे पापा देख रहे होंगे महाराष्ट्र में, तो उनसे कहना चाह रही हूँ कि पापा मैंने तुम्हारी इज्जत नहीं कमाई और ना मैंने तुम्हारी इज्जत को डाक खाने दी, पर पापा ये लोगों ने ही मेरे को बर्बाद किया। वो तो गांव का मुखिया है, समझदार है, इस टेंशन मत। भैया आज मेरी इज्जत है, मैं एक लड़की हूँ, समाज में मेरी इज्जत क्या है पता है, लड़की एक कांच का भांडा रहती है, जो कांच एक बार फूट गया उसकी कीमत करी जाती नहीं, वो कचरे के डिब्बे में जाता, लड़की वो चीज रहती है। लड़की की कहानी आज पूरी आपने सुन ली है विस्तार से, बहुत ही दुखद इसकी कहानी है, कम से कम इतनी इसकी दया करो कि लड़की मर जाएगी बेचारी, किसी की ज़िंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं किया जाता। और आप इस वीडियो को हटा दीजिए, बस इतनी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपकी वीडियो हट जाएगी, आप टेंशन ना लीजिए और आगे से कोई आपकी वीडियो नहीं डालेगा इस तरह की, ठीक है। मैं गाइस दोस्तों तुमसे कहना चाह रही हूँ, मेरे भाई बहन जो भी सुन रहे हो, मेरी माँ हो, बहन हो, कोई भी हो, उनसे यही कहना चाह रही हूँ, आज तुम्हारी बेटी है, लव्स है, कोई है, आपका भाई है, बहन है, कोई भी हो दुनिया में, वो लड़की है जी, वो एक लड़की को उसकी बात पूछो, उसका दिल का राज जानो, क्या वो चाहती क्या है, उसको आगे बढ़ना है, हर लड़की की ख्वाहिश रहती है कि वो आगे बढ़े, माँ बापों का नाम रोशन करे, ऐसा नहीं है क्या, लड़का ही माँ बापों का नाम रोशन कर सकता है, लड़की भी कर सकती है, लड़की में भी हिम्मत होती है, लड़की में भी अल्लाह ने बहुत ताकत दी है, पर वो किसी को अजमा के नहीं बताती है, नहीं बताती है वो कि मेरे में ताकत है, मेरे में रुतमा है। आपके हम दिल की बात जान लेते हैं, हमारे आखिरी पड़ाव इस वीडियो का, आप क्या करना चाहती है, क्या ख्वाहिश है? सही है कि मैं घुटके जी रही हूँ, मतलब मेरे को दुनिया में ना ऐसे मतलब जाने को भी शर्म लग रही है, बहुत अलग फील हो रहा है। तो किसी को नहीं पता, आप तो पागल हो रही है, वो कितने लोगों ने वीडियो देखी है, छोटा सा चैनल है, नहीं आज किसी को नहीं पता, ये थोड़े बहुत लोग जानते हैं बस, तुम्हारी लाइन समझ रही है 20,000 फॉलोअर्स कमा के, वो नू समझ रही है कि मैं सारी पब्लिक को बताऊंगी, नहीं है, अरे ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने तेरी खुद हीडो पे मैसेज पे देखा है, लोग देखो कहते हैं चौड़ी ना की क्या हीडो बना रही है, लोग क्या क्या नहीं कहते, मतलब मैं ये कह रही हूँ भैया, मैं भी चला रही हूँ इंस्टा, मैं भी चला रही हूँ फेसबुक यूट्यूब चैनल। चले आपकी ख्वाहिश क्या है बताइए? ख्वाहिश है मेरी, एक बात सुन लो, लफ्ज है, चलो आजकल तो कोई एक रुपया नहीं दे रहा है, सगे को नहीं दे रहा है, ये जो आबिदा है जिसके पास खाने को एक रुपये ना था, रमजान महीने में, रमजान महीने में वो रोजे रख रही थी,
उसके 4 रोजे हो गए थे मेरे साथ, मैं खुद रखने लगा रही थी उसको, मेरे पूरे महीने के रोजे आते हैं और मैं कुरान शरीफ वगैरह भी फेरती हूँ और वगैरह तालीम भी कराती हूँ जुम्मे के जुम्मे, पनिया नहीं करा सकी हमारे हर मतलब, और जुम्मे तो मेरा हर महाराष्ट्र में है वो, ठीक है वो आपने बता दिया, तालीम कराती हूँ। हाँ जी, अब मुझे आप एक बात बताइए, मैं वीडियो खत्म करूंगा। जी जी, आप अभी क्या ख्वाहिश है, आप वीडियो बनाना चाहती हैं कि डिस्कनेक्ट करना चाहती हैं, क्या चैनल चलाना चाहती हैं? जी चलाना चाहती तो हूँ, पर मेरे घर वाले को नहीं पसंद है ये चीज़। तेरा घर वाला, तेरे जो परिवार है, अगर तुझे इजाजत दे कि तू अच्छी वीडियो बना। जी जी, अच्छी जानते हैं? जी जानती हूँ। नकाब लगा करके, जी जी जी, बैंडविड्थ किसी अच्छे टॉपिक पे बात करें। जी जी जी, तो आप ये ऐसे गाने गुने चक्कर में क्यों पड़ती हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अनजाने से 3 हीडो डाले गई है मेरी, वो भी क्यों, मेरी सारी हीडो है। एक बार हमारे चैनल के माध्यम से बोल दो समाज से कि अगर जाने अनजाने मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं आगे से बिल्कुल नहीं करूँ, मैं आलिमा हूँ, हाफिज़ कुरान हूँ और शरीयत के सही रास्ते पर आगे चलने की कोशिश करूँगी। जी, मैं गाइस तुमसे यह कहना चाह रही हूँ, मैंने जो 2-3 हीडर डाली है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे, और अलीमा हूँ, कुरान शरीफ पढ़ रखा हूँ, मेरे को जायज़ नहीं है बनाना ये दोबारा से, ये डांस की हीडियो नहीं बनाऊंगी, गलत हीडियो नहीं बनाऊंगी, लाइव चलूंगी, दोस्तों गाइस से ये बात करूंगी, माँ बहन की कोई इस्लाम की बात करूंगी, धर्म की बात करूंगी, यही लोगों से कहूंगी, आगे मेरे घर वाले में कोई इजाद दे तो गाइस मैं आपसे जरूर मुलाकात करूंगी दोबारा से। ठीक है, उनका जो जहर है वो हमने ले लिया है, बहुत अच्छी लड़की, उन्होंने हमारी बात मानी है। चलो चलो, पीछे हटो पीछे हटो, बड़े पीछे जाओ, आ जाओ सर। तो दोस्तों ये साकिर भाई है, इनकी पत्नी ने बताया, हमें इनके परिवार ने बताया था, ये वास्तव में बहुत मेहनती लड़का है और बहुत ईमानदार लड़का, बहुत शरीफ लड़का, इज्जत वाला। तो आगे से आप लोग प्यार से रखोगे ना? ठीक है, आप खुश हैं ना? चलिए, अब पति से मैं सॉरी बोल। जी सॉरी, माइक से नहीं, पति से सॉरी। ठीक है, आप खुश हैं? तो दोस्तों हमने आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं, जहर की डिब्बी मैं फेंकूंगा जाके आप सबके सामने। अच्छा, आगे से इस तरह की हरकत मत करना, जहर जोर खड़ेगी। लड़ना है आपको, मरना नहीं है। मरने के बाद तो आपको मिट्टी में दाब देंगे, कोई पूछेगा नहीं दूसरे दिन। वो बात तो सही, मेरे घर वाले ने समझाया मेरे को ये बात, मैंने उनको सुबह कही ये बात। आगे से जहर जोर की परेशानी मत देना इनको, नहीं मैंने धमकी इनको नहीं दी, मैंने इनको यह कही कि देखो मैं आपको बहुत दिल से चाहती हूँ और आपकी बहुत इज्जत है। क्यों इज्जत है? मरोगी या लड़ोगी? लड़ोगी ना, जिंदगी से, जिंदगी से लड़कर ही फसल आगे जाओ। शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।